किथे जाएगा तू? मैंने बोली क्या? ये शॉक्स रखे हुए हैं मैंने, और एक है वो अभी ये कुकड़ी हमारी अभी बच्चे हैं, इंशाल्लाह इनमें से ज्यादा बढ़ेंगे चूचे चूचे, तो इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे फिर जब आया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। आज का व्लॉग उम्मीद करता आपको बहुत पसंद आएगा। उसकी वजह यह है कि तकरीबन जितने भी आसपास के गांव हैं, उनमें तकरीबन 19-20 के आसपास गांव हैं, उनमें से एक भी टैंकी नहीं है। जैसे कि शहर में होती, जैसे बसीरपुर है, उधर सिर्फ एक टैंकी है, और बाकी भी बहुत सारी मेरे आसपास वाले गांव उधर कोई टैंकी नहीं है। मतलब लाहौर में जैसे फैंस में वगैरह में जैसे मैंने चीज़ें देखी उधर है, तो ये हमारा फर्स्ट गांव है जहां टैंकी है। तो अभी बिल्कुल फ्रेश नहीं बनी है, तो अभी मैं फसलों से गुजर के जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो टैंकी पर मैं जाके, क्योंकि अभी पूरे 5 बज चुके हैं शाम के, क्योंकि मैं आया था तो मैंने वीडियो अपलोड करनी थी, तो मैंने सोचा कि 1 घंटे के अंदर वीडियो इधर अपलोड होनी नहीं। आपको पता है गांव का जो सिग्नल है ना, वो कुछ ख़ास अच्छे नहीं होते, तो मैंने सोचा कि आपको एक तो वो टैंकी दिखाई जाए, और दूसरी ये है कि उस पे चढ़ के आपको पूरा गांव का व्यू दिखाया जाए। तो अभी मैं सुबह का आया हुआ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो टैंकी इधर से पीछे। ये जो पीछे ये जो टैंकी है, मैं इधर अभी मैं फसलों पे आया हूँ। मैंने कहा कुछ आप गांव आया हूँ, कुछ गांव वाली लोकेशन दिखाऊं। ये मेरे चाचू का घर है, ठीक है, ये तो इधर मैं रह रहा हूँ। ये ज़मीन, ये भी उनकी है, ये भी उनकी है, और वो वाला किला भी उनका है 1 एकड़, और ये भी इनका है, और 3 एकड़ उधर है चंगी वाली साइड पे, उस हमारे गांव का उधर है, उसके वो जगह है चंगी वाला, उसको कहते हैं मसल चंगी वालों की जगह है वो हमारे गांव की सारी, लेकिन उसको नाम दिया हुआ है चंगी वाला। तो अभी ये मैं नाले से गुजर के जा रहा हूँ, मोबाइल गिरने का भी खतरा है पर कोई टेंशन नहीं। तो मैं कहता हूँ तो अभी चलते हैं वहाँ की आपको पूरी लोकेशन दिखाते हैं, और अभी तक कुछ ख़ास नहीं व्यूज़ मैं दे सकूंगा, क्योंकि इधर जितनी भी फसलें हैं ना, वो सारी की सारी अभी उन्होंने ना उगाई हैं, असल अभी उन्होंने काश्त की है कि बोई हैं, ओके अभी थोड़े अरसे पहले कुछ 10-15 दिन हुए हैं सारी फसलें वगैरह काट ली गई थी, क्योंकि पहले मूंजी वो क्या कहते हैं चावल की फसल थी वो अब काटी गई है, और उसके बाद अभी ये गंदम की फसल आ गई है, और मक्की बिल्कुल तैयार होगी और वो भी काटी जा रही है। तकरीबन जितनी भी मकई की फसल है ना, वो सारी कट गई है, बस कुछ चंद खड़ी हैं, जो कि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अभी मैं अपने चाचा के पास गया, तो मैंने कहा अपने चाचा के पास गया, वो एक घर में रहते हैं मेरा चाचा और मेरा दादा, तो वो मुझे बता रहे थे कि अपना आपके आने से पहले हमने ना 2 दिन का चारा इकट्ठा कर ले, क्योंकि हमारे पास चारा वगैरह नहीं है, पट्टे वगैरह नहीं है, ज्वार ख़त्म हो गया, अभी बस रेम हमने बोई हुई है, वो तकरीबन 20 दिन तक वो तैयार होगी। तो उन्होंने क्या कि हमने 2-3 दिन, क्योंकि ना अभी वो कह रहे हैं कि मकई भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये होता है इधर, मैं आपको एक बहुत लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ, वो ये है कि जो मक्की है ना, वो भी बिल्कुल ये देखें आपको पीछे बहुत कम है, और वो भी बहुत कम रह गई हैं, क्योंकि ज्वार भी नहीं है, बस रेम अभी हुई नहीं है, कुछ लोगों की हो गई है, और मैं आपको अपनी दिखाता हूँ जो कि मेरे चाचा और दादे की बसरेम है, क्योंकि हम तो लाहौर होते हैं ना, तो उनके जानवर वगैरह हैं, ठीक है, उनके जानवर वगैरह हैं, तो वो दूसरा उनके लिए बोते हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। ये उनके ये किला हमारा बिल्कुल सड़क के सामने, हमारी 1 एकड़ ज़मीन है, इधर है 1 एकड़, उधर है, उधर मैं आपको लेके जाऊँगा, और एक द्वारा हमारा आधा 4 कनाली इधर है, और 1.5 कनाली वो आपको स्कूल नज़र आ रहा है पीछे, वाइट वाइट,
ये स्कूल है, इसके थोड़ा सा आगे काफ़ी दूर है। मैं आपको ना एक ब्लॉग पूरा अपनी ज़मीन का बना के दिखाऊंगा। तो ये सारी ज़मीन तकरीबन हमारी साढ़े चार किले है ज़मीन, ठीक है। और एक मेरा दो किले हमें आती है, दो किले हमारे चाचे को आती है, तकरीबन दो ही मेरे दादे के बेटे हैं, ठीक है। एक मेरे अबू और एक मेरा चाचा लाया। तो ये है कि मैंने अभी ना साग वगैरह बनवाना था, तो बहुत दूर दूर तक मुझे जाना था, क्योंकि वो है ही नहीं, फसलें वगैरह अभी तक तैयार नहीं हुई ना, क्योंकि वो भी ना बहुत मुश्किल होता है कि चारा, मसलन तल्ला काटना, तल्ला बहुत मुश्किल मिलता है, क्योंकि अभी वो सीज़न भी नहीं है तल्ले का। तो अभी मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये पूरी के पूरी जितनी भी है ना, जहाँ आपको जो सेंटर में बन्ना नज़र, हम इसको बन्ना बोलते हैं, जिसको आप यहाँ तक हमारी है, यहाँ तक, और ये यहाँ तक हमारी है, यहाँ तक, उससे आगे उन दूसरों की है। तो ये अभी देखो आप कितना छोटा छोटा है, छोटा छोटा, अभी कितनी छोटी बस रही है मैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, मेरा ख्याल है मैं भूल गया हूँ, इसको बोलते हैं, ये तो बस रेम है, और जो इसके अंदर होता है इसका मुझे अभी जेहन में नहीं आ रहा, पर पता है अभी जेहन में नहीं आ रहा, क्योंकि एक टाइम हो गया इनके अंदर रहते हुए, क्योंकि अभी कभी ना चारा किया ना इस तरह कुछ नहीं कभी किया। दरवाज़ा खोल है, और ये टैंकी के ऊपर जाके हम वीडियो अपलोड करते हैं। और ये मेरा चाचा, एक ये देखें डॉन, बड़ी अच्छी अच्छी टिकटॉक बना रहा है आजकल। हेलो बनाना वीडियो उस पर जाए, हेलो तो टोपी कर, क्योंकि ये देखो इतना बड़ा मेरा चाचा हो गया, अभी वो डर रहे थे तो मुझे डर लग रहा है। ख्याल ना क्या साहब, ये साहब इधर आके इनकी ब्रेक लग आया यार, तेरे सामने इश्तेहार चल रहे। हाँ जी सलाम अलैकुम। अभी ये है कि मलक साहब इंतकाम, अरे इधर क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए मोबाइल पकड़ने वाला की। ये पीछे मेरा पूरा गांव, ठीक है। तो मैं अभी आपको इधर से अपना घर भी दिखा सकता हूँ, अपनी फैमिली जितनी भी है वो भी दिखा सकता हूँ। तो अभी मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ पूरा गांव, और ये अब खूबसूरती दिखाता हूँ। और ये मेरे मलिक साहब, मेरा उम्र हयात, कैसा लग रहा है? ये हमारी डारी है,
लगी होगी। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ अपने प्यारे यासिन वाज को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, अल्लाह हाफिज़। अपनों मेरे अपनों को खुश रखें और अपनों के साथ खुश रहें और अपने माँ बाप की खिदमत करें। कामयाबी आपके कदम चमेगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।